नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वीडियो हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो अब आयुष्मान जन आरोग्य योजना में बदल चुका है, उसकी पॉलिसी आप ई मित्र के जरिए किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ई मित्र के डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पर आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको आयुष्मान और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे माँ योजना के पोर्टल पे। तो यहाँ पर आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जब से ये माँ योजना शुरू हुई है, तो इस प्रकार का आपको एरर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको लॉगिन का कुछ एरर आ रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस ई मित्र पर बैक चले जाना है। तो बैक जाने के लिए हम यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ से बैक जाते हैं, अब वापस हम ई मित्र पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम वापस आयुष्मान लिखेंगे, तो यहाँ पर आयुष्मान मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को वापस सिलेक्ट कर लेंगे। अब की आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी टाइप पूछा जा रहा है, जन आधार आईडी, आधार आईडी जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर सामने डालनी है। तो इस प्रकार का एरर आए तो सिंपल सा यही प्रोसेस करके आपको वापस इस पोर्टल पे आना है। तो यहाँ पर हम जन आधार नंबर डाल देते हैं। जन आधार नंबर डालने के बाद में आपको सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा जो भी इनकी पहले पॉलिसी थी वो आ सकता है, सभी बताएगी। नीचे जनरेट पॉलिसी रिन्यू पॉलिसी का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेंबर ई सिग्नेचर कौन करना चाहते हैं वो ही मेंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आधार में ओटीपी आए। यहाँ पर पाइड ओटीआर पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आगे ई सिग्नेचर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओटीपी, तो ओटीपी को सिलेक्ट करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जो भी आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पे एक ओटीपी आ जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेगी थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। अब यहाँ पर आपके ई सिग्नेचर हो चुके हैं। मैक पेमेंट ई मित्र का ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर लेना है। मैक पेमेंट पे वापिस क्लिक करना है। अब आपके ई मित्र वॉलेट से 850 रूपए काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम मैक पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करते हैं। अब आपके ई मित्र पोर्टल से 850 रूपए कट गए हैं और इस प्रकार का फिर से आपको एरर देखने को मिल रहा है। अब आप दोबारा चरण वही चरण करके आप चेक कर लेना है कि आप पॉलिसी यहाँ से प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो आपको 24 घंटे तक वेट करना होगा, उसके बाद में आपकी पॉलिसी यहाँ से प्रिंट आउट होगी, पहले आपकी नहीं होगी, इस प्रकार का एरर शो होगा। यदि आप दोबारा पेमेंट करेंगे तो दोबारा पेमेंट आपके ई वॉलेट से कट जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।